बस ऑन फ्रेंड्स, पिताजी को पानी देना था, भूल गया मैं। चलो अभी देके आता हूँ। पिताजी पानी लाया हूँ, आके पी लीजिए। अच्छा बेटा आ रहा हूँ, रुको जरा। और बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसी है? बस पिताजी अच्छी चल रही है। मन लगा के पढ़ो जी, ऐसे ही नहीं तो किसानी करनी पड़ेगी हमारी तरफ। आज हम किसान हैं इसीलिए तुमको पढ़ा रहे हैं, ताकि तुम आगे चल के कलेक्टर बनो। चलो ठीक है, तुम जाओ जाके पढ़ाई करो जी। बस थोड़ा सा बाकी हम करते आ रहे हैं। आइए पिताजी, मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर जाना था, अगर 10,000 तक की व्यवस्था हो सके। 10,000 रकम काफ़ी बड़ी है बेटा, लेकिन मैं तेरी पढ़ाई रुकने नहीं। मैं 10,000 की व्यवस्था किसी तरीके से करवाता हूँ, लेकिन तू अपनी पढ़ाई मत कर। जाओ कहीं ना कहीं से व्यवस्था करवाता हूँ। 10,000 रकम काफ़ी बड़ी है, लेकिन कैसे कराऊँ? जमींदार जी से बात करता हूँ, बस वही एक चारा है मेरे पास। पिताजी मेरे पैसों का इंतजाम। हाँ बेटा, मैं भूल गया था, मैं आज जाऊँगा जमींदार जी के पास। हमारे लिए बेटा बस वही एक आसरा है। मैं कुछ करवाता हूँ तेरी पढ़ाई में नहीं रुकने दूँगा। जा। प्रणाम मालिक। क्या हुआ राम बच्चन, छोड़ू ऐसे रहना? तो मालिक हमारा बच्चा शहर जाके पढ़ना चाहता है, और हमारे पास इतना पैसा नहीं कि उसको हम शहर भेज पाए। तो मालिक आप कुछ दया दृष्टि कीजिए। तुम्हारा अभी तक किस साल का भी बाकी है? हाँ मालिक, वो भी हम उसी के साथ ब्याज सही दे देंगे। इस बार हमको बस 10,000 दे देंगे। कुछ गिरवी भी रखोगे? मालिक हमारे पास खेत के सिवा कुछ नहीं है। कितने चाहिए थे? 10। रुको, ये लो 2% ब्याज सहित दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जाओ बच्चे को पढ़ाओ, जाओ। बेटा ये ले, जमींदार जी से मैंने बात करके 10,000 रुपये तेरे लिए ले आया। अब तू शहर जाके पढ़ाई कर सकता है। जा जा जा, और खूब मन लगा के पढ़ियो। बेटा मैंने बहुत मेहनत से तेरे लिए 10,000 रुपये को जुगाड़ किया। अब इस पैसे को व्यर्थ मत जाने देना। शहर जाके अच्छी पढ़ाई करना, उसके बाद अच्छी नौकरी लेना। पता नहीं जीवन का मैं कितने हेलो सर। हेलो सर, मैंने अप्लाई किया था आपकी कंपनी में जॉब के लिए, तो सर ये मेरी कुछ क्वालिफिकेशन और मार्कशीट है, प्लीज़ इसे देखिए और मुझे प्लीज़ सर कोई काम दीजिए। ठीक है, ठीक है, मैं देखता हूँ। सर मैंने बहुत पढ़ाई की है सर। अनुज मिश्रा जी सर। सर अभी वैसे हमारी कंपनी में एम्प्लॉय की कमी तो नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको काम नहीं दे सकता अपनी कंपनी में। जी सर, सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ सर, प्लीज मुझे नौकरी दीजिए सर, मुझे बहुत जरूरत है सर। सॉरी सर, सॉरी सर, मुझे बहुत जरूरत है सर, हम नहीं कर सकते। बहुत जरूरत, मैं आगे फीलिंग्स को समझ रहा हूँ सर, ये ठीक है, बाद में कभी ट्राई कीजिएगा। हेलो सर। हेलो सर, मैंने आपकी कंपनी के लिए जॉब अप्लाई किया था, तो सर प्लीज़ सर ये मेरा कुछ मार्कशीट और क्वालिफिकेशन है, प्लीज़ इसको देख के मुझे कुछ जॉब दीजिए सर। सर मैं बहुत गरीब हूँ सर। अनुज मिश्रा जी सर, आपकी क्वालिफिकेशन तो सही है और मैं आपको जॉब भी दे सकता हूँ। जी सर, मगर इसके लिए आपको 1 लाख देना पड़ेगा। सर 1 लाख तो मेरे पास नहीं है सर। सर प्लीज़ सर ये जॉब मुझे दे दीजिए। तब आपको जॉब नहीं मिल सकती। मेरे पिताजी ने इतने मेहनत से मुझे पढ़ाया, सारी डिग्री दिलवाई, अब मैं इन डिग्रियों को क्या करूँ, मुझे काम ही नहीं मिल रहा। अब मैं सिर्फ एक ही काम कर सकता हूँ, मुझे जीने का कोई हक नहीं। मेरे पिताजी ने इतने मेहनत से मुझे पढ़ाया लिखाया, बड़ा अफसर बनने के लिए, लेकिन अब जब मैं अफसर नहीं बन सका तो मुझे छीने का कोई हक नहीं है। आखिर कब तक ऐसे भटकता रहूँगा इधर उधर, इससे अच्छा तो मर जाना बेहतर है। आखिर मैं मरना क्यों चाह रहा था? गांव में मेरे पास खेत है, मैं किसानी कर सकता हूँ। जब तक ये खेत मेरे साथ हैं, तब तक मुझे पढ़ाई लिखाई करने की क्या जरूरत है? कुछ लोग सोचते हैं कि नौकरी नहीं मिल रही है तो बेरोजगार होकर घर पे बैठे हैं। अरे पागल हैं वो लोग जो इतने विशाल खेत को छोड़ के, आखिर तब तक नौजवान बैठा रहेगा यूँ हाथ पे हाथ में। बस खेत है, इतना बड़ा खेत है, वो किसानी कर सकता है। तो वो देखते मेरा बेटा कितनी तरक्की कर रहा है। आखिरी उम्मीद मेरी टुट किते जावी ना, लुटी होई नू वे जानी, लुट किते जावी ना, तू आखिरी उम्मीद मेरी टुट किते जावी ना। हे गाइस, जैसा कि देख सकते हो वीडियो पूरा खत्म हो चुका है यार, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। ये हमारे जो छोटे छोटे क्रिएटर हैं, या आगे चल के आपको बहुत बड़ा कंटेंट देंगे, लेकिन अभी देख सकते हो हम लोग पूरा घर से 1 किलोमीटर बाहर आए हैं, तो वहीं पे शूट कर रहे थे। तो यार वीडियो कैसी लगी बताना, और क्योंकि न्यू ईयर है आज, तो न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के थ्रू मैंने कुछ हटके सोचा था, तो मैंने ये बनाया, तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेहनत भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और देख ही सकते हो कितना ज़्यादा इसमें कंटेंट क्रिएट मतलब सब कुछ समझ सकते हो, मेहनत ज़्यादा लगती है यार। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। जय जवान जय किसान के बेस पे हम लोग ये किए हैं। जय जवान जय किसान, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। चाहिए था गोश्त, चाहिए था। क्या करता यार वहाँ, क्या करता यार, अब उसको बोलो यार।